आज हम आए भारतीय जनता पार्टी कार्यालय में। यहाँ मध्य प्रदेश के पूर्व कृषि मंत्री एवं अभी बने अल्पसंख्यक पिछड़ा वर्ग के बने अध्यक्ष रामकृष्ण कुशवाहा जी आए थे। हमने उनसे बात की, हमने उनसे पूछा कि सांची विधानसभा क्षेत्र को खाली छोड़ दिया गया है। उन्होंने कहा कि ये संगठन का निर्णय है, ये संगठन ही और पार्टी तय करेगी कि किसको मंत्री बनाना है, किसको नहीं बनाना है और आगे जाके कोई भी जिम्मेदारी किसी को दी जा सकती है। मैं आवाज़ न्यूज़ से राकेश जैन रायसेन। रायसेन जिले में इस बार कोई भी कैबिनेट मिनिस्टर नहीं बनाया गया। दूसरा, सांची विधानसभा में बहुत कम बार हुआ है कि मंत्री ना बनाओ कोई, इसको आप किस दृष्टि से देखते हैं? ये पार्टी के निर्णय की बात है, क्या सोच है उनका और अभी शुरुआत है, आगे और किसको क्या करेंगे। बहुत सी काम है, भारतीय जनता पार्टी में किसी भी आदमी को खाली नहीं रह सकता, कोई ना कोई काम है। हर आदमी को काम है और हर काम के लिए आदमी ही भारतीय जनता पार्टी, इसलिए ऐसा भी हम सोच लें कि कोई नहीं है, ऐसा नहीं है, कोई ना कोई इंतजाम जरूर है। एक जिले में सिर्फ एक राज्य मंत्री दिया गया है, जिले को एक राज्य मंत्री दिया गया है मात्र। अब ये देखो, हम ऊपर उनकी सोच है, मुख्यमंत्री वे सब लोगों का जो है उस पे हम कोई कमेंट करना नहीं चाहते। मैं ये जानता हूँ कि जो जहाँ जैसी आवश्यकता होगी वैसा इंतजाम करेंगे, अभी सब कुछ पूरा थोड़ी होगा। अभी उम्मीद है कि सांची विधानसभा को नेतृत्व मिल सकता है, सांची विधानसभा क्षेत्र को जगह मिल सकती है। अभी अब सांची विधानसभा कोई मध्य प्रदेश से अलग थोड़ी है, जगह मिलेगी।